हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब सुखी होंगे, खुश होंगे और आज संडे है तो सभी अपने संडे को एंजॉय कर रहे होंगे। आइए, स्वागत है आपका मेरे जिसका नाम है पीस गार्डन। आज मैं बात करूँगी जेड प्लांट की, जो कि बहुत ही लकीस्ट प्लांट है और इसे हमें हमारे घर में ज़रूर लगाना चाहिए। देखिए, मैंने इस ब्यूटीफुल प्लांट्स को बास्केट्स में, मग्स में, प्लांट्स में, कितनी प्लांट्स में मैंने इसको ग्रो किया हुआ है और आज मैं आपको इसके बारे में बहुत ही एक अच्छी सी शेप में इसको सेटअप करना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, जो चित्रकार होता है वो अपने आर्ट को, अपनी कला को अपने कलर्स में उकेरता है, ऐसे ही गार्डनर का मन भी एक आर्टिस्ट की तरह होता है। अपने प्लांट में वो भी नई नई क्रिएटिविटी करके उसकी ब्यूटी को इन्हांस करता है। तो ये जो प्लांट है जेड प्लांट, इसकी एक बहुत ही स्पेशलिटी है कि ये किसी भी शेप में बंध जाता है और इसको किसी भी शेप में हम आकार देकर अपनी प्लांट को अच्छी ब्यूटी का शेप दे सकते हैं। तो उसी बारे में मैं आपसे बात करूंगी और मैं आपको एक टोपाइडी बताऊंगी जो मैं इस प्लांट में आपको दिखाना चाहूंगी कि इसको कैसे बनाया जाता है। इससे पहले मैं दिखाना चाहूंगी, मैंने ऑलरेडी इसको इस शेप में, पिकॉक की शेप में इसको मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं। अभी मैंने जस्ट इसको शेप अप किया ही है। इसकी जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी और इसका ये जो फैदर है ये अच्छे से बुशी होता जाएगा और ये इसकी जो नेक है इसको मैंने वायर से लगा कर, इसको सूतली जो जूट रोप है उससे बांधा हुआ है। तो ये अभी जस्ट दिखाई दे रहा है लेकिन जैसे जैसे इसकी लीफ बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे ये शेप आपको पूरा क्लियर दिखाई देता जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैं इस पॉट में लगे हुए जेड प्लांट की एक टोपायरी बनाना आपको बताऊँगी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने एक आयरन वायर लिया है और इसको इस यू शेप में मैंने इसको टर्न कर लिया है। हम कोई भी ऐसा वायर लें, एल्युमिनियम का या जो भी, जो अपनी इजीली इसको फोल्ड हो जाए या टर्न हो जाए। मैंने इसको इस शेप में कर लिया है। अब मैं इसको इस तरह से इस मिट्टी में, इस प्लांट की मिट्टी में दबा दूंगी इस तरह से, और इसकी जो ये लीव जो बढ़ रही हैं इसको इस वायर में हम लपेटते जाएंगे इस तरह से। इस तरह से आप इसको शेप देते जाएँ और इसकी जो एक्स्ट्रा जो लीव्स होंगी उसको हम बाद में कट भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको किया, ऐसे ही ये ब्रांचेस तरफ आएगी तो इसको इस टाइप से आप रेप कर दें ऐसे, फिर हम इसको बांधेंगे भी सही। और ये भी ब्रांच इस तरफ ही आएगी, इसको भी हम इस तरह से रेप कर दें और ये ब्रांच ईजीली इस तरफ से हैंग हो जाएगी, ऐसे करेंगे और ये ब्रांच इस तरफ आ जाएगी। आप देख सकते हैं इसकी शेप बनती जा रही है और मैं बताऊँ किस शेप में दिखाई देगा हमें, इस तरह से, ये इस तरह से है। अब मैं क्या करूँगी, इसको इस जूट रोप से थोड़ा थोड़ा सा इसको मैं टाई अप कर दूँगी, इसी शेप में ये आगे ग्रोथ करता रहेगा। इस तरह से आप बांध दें या तो कोई ग्रीन वायर ले लें, ग्रीन रस्सी ले लें, जैसे ये जूट रोप थी मेरे पास तो मैं इसी से इसको बांध रही हूँ। इस तरह से ये शेप देगा। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसको या तो हम कट कर दें। देखिए, बढ़ते हुए प्लांट को कट करने की इच्छा तो नहीं करती है लेकिन यदि हमें कोई आर्टिस्टिक आइडिया अपने प्लांट्स पे अप्लाई करना है तो हमें ये थोड़ा सा लेना भी पड़ता है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, इसकी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए मेरे पास ये एप्पल और इस पर मैंने इस बर्ड को टैग किया हुआ है और इस तरह से मैं इसको यहाँ बिठा दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है ये आपको, इस तरह से बहुत ही ईजी सा, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत एक आइडिया लगाकर इसकी लीव्स को एक शेप करना है और यही टोपायरी कहलाता है। इसको मैंने एक पिकॉक की शेप में और इस शेप में इसको मैंने बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आप भी इस तरह से अपने जेड प्लांट को टोपायरी के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे और उसको बनाकर मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपने किस तरह से इसको बनाया। तो इस तरह से फाइनली मैंने इसको शेप अप करके ये मैंने एक छोटे से एप्पल पे लिटिल बर्डी बिठा दी है। कितनी ब्यूटीफुल ये लग रही है, नेचुरल मुझे दिखाई दे रही है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और जेड प्लांट की केयर टिप्स के बारे में मैंने एक वीडियो आपसे पहले भी शेयर किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके उसे देखें और मेरे इस वीडियो को भी आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी दूसरे क्रिएटिव प्लांट के साथ। तब तक के लिए बाय।